दोहा कतर प्रवासी एवं झुंझुनू निवासी विक्रम मिश्रा की प्रेरणा से कोरोना महामारी के चलते चल रहे लॉकडाउन की वजह से बीडी के अस्पताल में खून की कमी की पूर्ति करने तथा थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को खून उपलब्ध करवाने के लिए झुंझुनू के ब्राह्मण समाज की ओर से चूना चौक स्थित राजकीय डिस्पेंसरी जनता क्लिनिक में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन चंचलनाथ टीला पीठाधीश्वर ओमनाथ महाराज ने किया। बीडी के अस्पताल की ब्लड बैंक की टीम के सहयोग से पीएमओ डॉक्टर शुभकरण कालेर के निर्देशन व ब्राह्मण समाज संयोजक उमा शंकर महमिया के नेतृत्व में लगाए जाने वाले शिविर में सोशल डिस्टेंस व सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा गया। हर रक्तदाता की पहले जांच की गई, इसके बाद ही उनका रक्त लिया गया। जानकारी देते हुए कमलकांत शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण समाज के संयोजन में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित शिविर में युवाओं ने जोश के साथ 54 यूनिट रक्तदान किया। कोरोना रूपी वैश्विक महामारी जो कि एक महाप्रकोप के रूप में पूरे देश और समस्त क्षेत्रों के अंदर व्याप्त है, उसके अंदर कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई चिकित्सा की व्यवस्था कर रहा है, कोई ज़रूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, उसी क्षेत्र के अंदर अभी चिकित्सा विभाग से और हमें जानकारी मिली कि रक्त की अत्यधिक आवश्यकता पड़ रही है। रक्त की अस्पतालों के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। 40 ऐसे बच्चे एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है कि प्रत्येक माह उनका रक्त बदलना पड़ता है, उनको रक्त देना पड़ता है। उसके चलते चिकित्सा विभाग ने, प्रशासन ने ब्राह्मण समाज से इस बारे में कहा कि भाई आप एक रक्तदान शिविर का आयोजन करवाएं। साथ में ही हमारे एक दोहा कतर प्रवासी विक्रम जी मिश्रा, उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि ब्राह्मण समाज को इस प्रकार का एक कैंप आयोजित करना चाहिए जिससे कि जरूरतमंदों की जान को बचाया जा सके, क्योंकि रक्तदान महादान है और इस दान से किसी के जीवन की रक्षा की जा सकती है। तो ब्राह्मण समाज ने संयोजक उमा शंकर जी महमिया के नेतृत्व में और ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया और भारी संख्या में युवा उत्साह के साथ रक्तदान शिविर के अंदर भाग लेंगे। लेकिन इस कोरोना के चलते जो भी प्रशासन द्वारा मापदंड तय किए गए हैं, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखते हुए और सैनिटाइजिंग है, अन्य जो भी कानून व्यवस्था जो प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा जारी है उसका पूर्णतः पालन करते हुए हमने इस कैंप का आयोजन किया है। इसके अंदर काफ़ी लोगों ने उत्साह के साथ और रक्तदान दे रहे। लक्ष्य अभी तय नहीं है क्योंकि हमने शुरू में ये सोचा था कि भाई 25 यूनिट से अधिक हो जाएगा, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि 2 बजे तक का ये समय रखा है और हम 50 तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि युवाओं के अंदर लोगों की जान बचाने का जो जज्बा है वो देखने को मिल रहा है। कि एक फेसबुक वेबसाइट पर उन्होंने एक अपील जारी की थी कि थैलेसीमिया एक बीमारी है जिसके जिले के अंदर 40 बच्चे ऐसे हैं जिनके प्रतिमाह खून चलाना पड़ता है, लेकिन करोना जैसी बीमारी को लेकर के अभी कोई भी ब्लड डोनर आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से ब्लड बैंक में भारी कमी आई है। तो उन्होंने एक ये अपील जारी की थी, तो हमने हमारे एक समाज के भामाशाह दोहा कतर में रहते हैं विक्रम मिश्रा, उन्होंने जब ये फेसबुक पर देखा तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि भाई हमें एक ये ब्राह्मण समाज द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहिए। तो हम लोग प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिले, CMHO साहब से मिले, ADM साहब से मिले, PMO साहब से मिले, उनसे स्वीकृति लेकर और ये कैंप लगाया है। और हमारे को उन्होंने प्रशासन द्वारा सारे निर्देश दिए हैं कि भीड़ ज़्यादा ना हो और ज़्यादा नहीं, 25 से लेकर 50 तक आप इकट्ठे कर सकते हैं। तो हम उन्हीं का वो लेकर के संकल्प लेकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ 25 यूनिट से लेकर 50 यूनिट तक का ही है जो प्रशासन ने हमें वो दिया है और निर्धारित किया है। और हम लोग जो सोशल डिस्टेंस है और जो भी सरकार के कानून कायदे हैं उनको सबको फॉलो करते हुए कैंप लगाए रहे हैं। धन्यवाद।